हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और हैप्पी कड़वा चौथ आप लोगों के लिए। बड़ों को चरण स्पर्श प्रणाम, छोटों को शुभाशीष। आज कड़वा चौथ है, आप लोगों का व्रत होगा। मैं तो नहीं रखती हूँ, पहले से नहीं रखती हूँ व्रत। अब तो चलो बूढ़े हो गए हैं, भगवान आपको शक्ति दे आज आज का दिन जीने की, शाम तलक रहने की शक्ति दे भगवान। भगवान से मैं भी प्रार्थना कर रही हूँ कि हे प्रभु, हे सृष्टि के दाता, आप सब लोगों को जो जो महिलाएं बरती हैं उनको आशीर्वाद और शक्ति दे। आज का दिन न बहने की बहुत अच्छी बात है। आप लोग व्रत रखते हैं पति के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। मैंने तो नहीं रखा, कभी जिंदगी में रखा ही नहीं, तो अब क्या रखना है। बुढ़ापे में तबीयत भी नहीं रहती है ठीक, इसलिए भी नहीं रख पाती हूँ अब, क्योंकि मेरे तीन तीन ऑपरेशन हो रखे हैं। दवाई खाती हूँ तब जाके दिन का गुजारा होता है, अपना काम धंधा होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पति के उम्र के लिए, वो तो विधि का विधान है, जब जिसने जाना होगा। पर ऐसा है कि चलो अपने मन से रखते हैं, भगवान से यही दुआ करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे सृष्टि के दाता, मुझे जब घर में आए थे, ब्याह करके लाए थे, तो पति ने अपना नाम का सिंदूर डाला था। जिस दिन इस दुनिया से जाना भी होगा तो पति हमारे माथे में सिंदूर डालकर और पूरा श्रृंगार करके भेजे, तभी हमारा कड़वा चौथ माना जाएगा कि हम भी अपने पति के लिए व्रत रख पाते पाए हैं। हम तो नहीं रख पाए, लेकिन जो भी रखते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है। मेरी बड़ी बहू भी रखती है व्रत। उसको तो मैंने पहले बोला था कि मैंने कहा सुबह जब नया व्रत रखा था तो मैंने कहा कुछ खा ले सुबह अंधेरे में, तो खाया नहीं तो सिर दर्द हो जाते हैं, किसी की तबीयत खराब हो जाती है। भगवान आज आपको, आप लोगों को शक्ति दे। और जो इस दिन को आज निभा पाए आप लोग, कोई तबीयत खराब ना हो, कुछ ना हो, बहुत अच्छे ढंग से निभे भगवान। एक शिव और पार्वती जी, इन लोगों को शक्ति देना। हमारा तो रख ही नहीं पाए, पहले आदमी नौकरी पर रहे, फौज में रहे, 30 साल अलग अलग रहे। अब घर में भी आए तो झगड़ा ही रहता है, लेकिन मैं तो कभी वो नहीं सोच, दिल से कभी बुरा नहीं सोचती हूँ कि भगवान मेरा पति जो भी है, वो गाना है एक, भला है बुरा है वो जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है वो जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मेरे देवते को, मेरे देवता को कुछ ना कहो, मेरा पति मेरा देवता है। ये है वो फिल्म का गाना। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, मैं जिस दिन जाऊँगी इस धरती से, तो मेरा आदमी मेरा पूरा श्रृंगार करके भेजूँ, तभी मैं भी समझूंगी कि मैं अपना पति से प्यार करती हूँ। चलो मेरे पति को करते थे क्यों नहीं, लेकिन नहीं लगता मुझे कि मेरे से प्यार करती होंगी। मैं तो बहुत वो करती हूँ, जब फौज में मेरे से, हमारी सारी ज़िंदगी ऐसे ही कटी, जिंदगी की पता ही नहीं चला कब हमारी ज़िंदगी कटी। चलो तो दो लाइन बोल दिया मैंने, जो भी लगेगा तो सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी कर देना। धन्यवाद।